नमस्ते इंडिया, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड एग्जामिनेशन। तो केमन आछेन आपनारा दोस्तों? प्लांट तो हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, पर हम सब में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बिजी लाइफस्टाइल के कारण इन्हें अपने घर लाने से डरते हैं। इसलिए आज मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे इंडोर प्लांट जो एयर प्यूरीफाई करते हैं और उन्हें मेंटेन करना काफ़ी आसान है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी प्लांट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पाम प्लांट की, क्योंकि ये लुक वाइज बहुत अच्छा दिखता है और ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। यदि आप 1.5-2 महीने के लिए बाहर किसी काम से या घूमने जाना चाहते हैं तो बस इसमें अच्छे से पानी देकर बेफिक्र होकर चले जाइए, इस प्लांट को कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पत्तों की टिप्स ब्राउन हो सकते हैं, पर वापस आके प्रॉपर पानी दिया जाए तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे तो पाम के बहुत सारे वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगे, पर इंटीरियर में से सबसे ज़्यादा एरिका पाम और रेपिस पाम यूज होता है। इंडोर एरिका पाम प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसे ऐसी प्लेस पर रखें जहाँ पर इससे थोड़ी धूप मिल पाए। पर रेपिस पाम को इनडायरेक्ट सनलाइट कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से इससे घर के किसी भी कॉर्नर पर प्लेस कर सकते हैं। पर पानी देने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि जब मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी इससे पानी दे, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट, इससे मदर इन लॉज टांग भी बोलते हैं। ये प्लांट दिखने में बहुत स्टाइलिश लगता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नासा के एक रिसर्च में पाया गया है कि स्नेक प्लांट 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, इवन रात में भी, इसलिए आप इससे बेडरूम में भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके केयर एंड मेंटेनेंस की, तो आप इससे हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो भी चलेगा, पर इससे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाए। नंबर 3 पर आता है स्पाइडर प्लांट, इससे स्पाइडर प्लांट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसके पत्तियों की वजह से ये स्पाइडर की तरह दिखता है। इस प्लांट में अच्छी बात ये है कि ये प्लांट एयर प्यूरीफाई करता है और इसकी केयर करना भी आसान है। यदि आपने कभी गार्डनिंग नहीं की है और आप इंडोर प्लांट लाने की सोच रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के इससे अपने घर पर ले आइए, क्योंकि ये हार्ड टू किल प्लांट है। बस आपको इससे लो लाइट में रखना है और मिट्टी सूखने पर ही पानी देना है। नंबर 4 पर आता है पोथोस प्लांट, इससे हम मनी प्लांट से के नाम से भी जानते हैं। वस्तु के हिसाब से ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट लगाने से पैसा आते हैं, शायद यही कारण है आपको बहुत से घरों में ये प्लांट देखने को मिल जाएंगे। कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मनी प्लांट लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। मनी प्लांट में बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी, आप इससे मिट्टी में भी और पानी में भी रख सकते हैं। नंबर 5 पर आता है सिंगोनियम प्लांट, इसके पत्ते एरो की शेप में होने की कारण इसे एरो हेड के नाम से भी जाना जाते हैं।
ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसमें काफ़ी सारा कलर आपको मिल जाएंगे। वाकई प्लांट की तरह ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। मिट्टी सूख जाने पर इससे पानी दीजिए और जहाँ पर भी इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ पर इससे रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।